सब्सक्राइब कीजिए धे आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की एक बेंच ने बलात्कार से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते वक्त अभियुक्त से ये पूछा कि क्या वो पीड़िता से शादी करना चाहता है। कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया, लेकिन अभियुक्त के वकील से ये सवाल पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह के सुझाव पर कई महिलावादी कार्यकर्ताओं और संगठनों ने निराशा जताई है। साथ ही इन संगठनों ने न्यायालय को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि अदालत इस तरह के सुझाव को वापस ले। डीएनएस में आज हम जानेंगे कि कितना तर्कसंगत है इंसाफ के बदले शादी और समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को भी। महिलावादी कार्यकर्ताओं और संगठनों के मुताबिक जब न्यायपालिका बलात्कार के इंसाफ के लिए शादी का सुझाव देती है तो इससे 4 बिंदुओं पर ध्यान जाता है। क्या बलात्कार कोई हिंसा नहीं बल्कि समाज में पीड़िता का बस इज्जत लुटना मात्र ही है? बलात्कार जैसे हिंसक अपराध से पीड़िता को हुई शारीरिक और मानसिक पीड़ा कोई मायने नहीं रखती? मौन रूप में हिंसा को आम मान लिया जाना मगर उसके लिए सजा जरूरी ही ना हो, और जब ये सुझाव सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आता है तो इसका असर और भी व्यापक हो जाता है। साल 2012 में लाए गए द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे पुलिस में मामला दर्ज करने और न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने में आसानी हो। इस एक्ट के तहत मुकदमे के निपटारे के लिए 1 साल की अवधि तय की गई है और मुआवजे का प्रावधान है ताकि नाबालिग के परिवार को ऐसे मामले के खिलाफ लड़ने में मदद मिल सके। पॉक्सो एक्ट के लागू किए जाने में कई दिक्कतें हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कानून को लागू करने के लिए सहायक सेवाओं और मूलभूत ढांचों की कमी है, जिसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार अब भी ढाक के 3 पात वाली ही है। इसका असर यह होता है कि नाबालिग पीड़िता पर केस दर्ज ना करने या उससे पीछे हटने या शादी के दबाव में आने की परिस्थितियां बन जाती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पॉक्सो के 99% मामलों में अंतरिम मुआवजा नहीं दिया गया और 99% मामलों में आखिरी मुआवजा भी नहीं दिया गया। 2/3 से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जिनमें पुलिस की जाँच ही 1 साल में पूरी नहीं हो पाई। महज 1/3 मामलों में मुकदमे की सुनवाई 1 साल में पूरी हो पाई। विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत द्वारा इस तरह की टिप्पणी से बलात्कार पीड़ित पुलिस और न्यायपालिका का रास्ता चुनने से ही कतराएंगे, और अगर पीड़िता ने बलात्कार और हिंसा जैसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति के साथ शादी कर भी ली तो संभव है कि आगे के जीवन में उसे यातना ही झेलना पड़े। 90% से ज़्यादा मामलों में अभियुक्त पीड़िता की जान पहचान के व्यक्ति ही पाए जाते हैं। ऐसे में नाबालिगों को अपने ही परिवार या जान पहचान के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करने में और कठिनाई आती है। इसीलिए न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो पीड़िता के हक को प्राथमिकता दे। पीड़िता की कम उम्र, परिवार की माली हालत और अभियुक्त का प्रभुत्व, ये सब बलात्कार की शिकायत करने के रास्ते की अड़चने हैं। अगर इन बाधाओं को लांघकर एक लड़की न्याय के लिए आगे बढ़ती है तो ये जरूरी है कि इंसाफ मिलने का एक अच्छा उदाहरण आम लोगों तक पहुँचना चाहिए।